नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम, स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों, 26 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, नवरात्रि में जो भी जाप किए जाते हैं, जो भी मंत्रों का जाप किया जाता है, इस समय किए गए जो जाप होता है, इसका बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो साल में चार नवरात्रियां पड़ती हैं, एक कुवार में पड़ती है और एक पड़ती है चैत्र में, और इसी के बीच में दो नवरात्रियां जो पड़ती हैं वो होती हैं गुप्त नवरात्रियां। लेकिन दोस्तों, आने वाली जो 26 तारीख की नवरात्रि है, इस समय जो दोस्तों आप जो मंत्र का जाप करेंगे, ये स्वयं माँ लक्ष्मी का ही मंत्र है, यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों का एक मंत्र है दोस्तों, जो दुर्गा सप्तशती से लिया गया है और जिसमें माता रानी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखते हैं। इसमें बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, काफी लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए काफी मंत्रों का जाप करते हैं, और इस समय जो मंत्रों का जाप किया जाता है वो स्वयं में सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी फलदायी होते हैं, क्योंकि नवरात्रि में स्वयं माता रानी इस धरती में आती हैं। दोस्तों, माता रानी की जो मूर्ति होती है, जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है, तो इसमें दोस्तों पंच तत्व का ही उपयोग किया जाता है, पंच तत्व से ही इनकी निर्माण किया जाता है, और 9 दिन तक माता रानी इस पृथ्वी में निवास करती है। 9वें दिन माता रानी को हम विदा कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि माता रानी जो होती हैं, ये इनका मायका होता है, तो ये अपने माँ, मतलब कि इनका मायका रहता है, तो यहाँ पे सभी से इन्हें मिलने आती हैं। तो दोस्तों, इस समय अगर हम माता रानी से उनके सामने अगर 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको विशेष रूप से इसका महत्व, इसका फल प्राप्त होगा, क्योंकि मंत्र बहुत शक्तिशाली है और दुर्गा सप्तशती से मंत्र लिया गया है। आप इसका जाप करेंगे, आपको 9 दिन तक इसका जाप करना है, आप जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप कर लेंगे, उतना ज्यादा नवरात्रि में आपको उसका फल मिलेगा। आप चाहें तो नवरात्रि के पहले दिन से सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा, हजार गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इस मंत्र को आप जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, कमलगट्टी की माला ले सकते हैं, या लाल चंदन की माला ले सकते हैं। अगर ये सब चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रुद्राक्ष और लाल चंदन या कमलगट्टी की माला से आप इसका जाप करेंगे, तो इसका बहुत असर मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा फल मिलेगा इसका। नवरात्रि खत्म होने तक दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो मंत्र मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का श्री सूक्त से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती में आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे श्री सूक्त है माता रानी के, लेकिन ये लक्ष्मी माता जगह माता का जो श्री सूक्त है, ये बहुत ही ज्यादा विशेष फलदायी है। आप 9वें दिन चाहे तो कमलगटे जो हवन सामग्री होती है, उसमें कमलगटे के बीज मिला करके 108 बार इसी मंत्र की आहुति भी जरूर दे दें। पहले 5 आहुति आपको शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है, उस घी की 5 आहुति आपको देनी है, उसके बाद में 108 बार पढ़ करके इसी मंत्र से आप आहुति दे दें। आप एक मंत्र पढ़ेंगे, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, उसके आगे आप स्वाहा लगा के और आहुति छोड़ देंगे। ऐसे करके 9वें दिन आप 108 आहुति दे दें। अगर आप चाहें तो इसी मंत्र की 9 दिन तक भी आहुति दे सकते हैं। एक माला आप जाप करेंगे, उसके बाद में 108 मंत्र की आहुति दे देंगे। आप यथाशक्ति जो भी कर सकते हैं आप कर लीजिए। अगर आप 9 दिन तक जाप कर रहे हैं तो आखिरी दिन भी हवन कर सकते हैं, और आप 9 दिन तक अगर हवन करना चाहें तो 9 दिन तक हवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का मंत्र है और माँ लक्ष्मी का मंत्र है, तो आप इस मंत्र का जरूर जाप करें। और दोस्तों, एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूं जो आपको 108 बार करना है, जो बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। आप इसको नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि से अगर इसकी शुरुआत करते हैं आप, इस मंत्र की बीज मंत्र है, बहुत ही छोटा सा है, आप चाहें तो जितने ज्यादा जाप करें उतना ज्यादा जाप कर सकते हैं। मंत्र है श्रीम ब्रिजी, 1000% दोस्तों ये मंत्र वर्क करता है। आप इसको कंटिन्यू अपना शामिल कर लीजिए, बहुत छोटा सा मंत्र है, 5 मिनट में जाप हो जाएगा। तो इस मंत्र का आप कंटिन्यू जाप करिए, आप देखेंगे कि आपके सामने ऐसे ढंग के साधन आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कोई भी मंत्र है तुरंत में काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बस आप उनको बिलीव रखिए, धैर्य रखिए। अगर आप कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत जरूरी है, संयम रखिए थोड़ा सा। आप सोचते हैं कि आज हमने जाप किया और आज ही हमको रिजल्ट मिल जाए, हमको कल रिजल्ट मिल जाए, 1 महीने 2 महीने थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसका फल जरूर मिलेगा आपको। दैविक शक्तियां दोस्तों ये असर दिखाती हैं, ये अपना फल देती हैं, बस आप थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाते हैं। आप लोग जाप करते हैं और सोचते हैं कि अब तक रिजल्ट नहीं मिला, उसको छोड़ देते हैं।
किसी भी चीज को कंटिन्यू करते रहिए जब तक रिजल्ट ना देने लगे। जब आप किसी भी चीज को करते रहेंगे तो भगवान को मजबूर हो जाना पड़ेगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट देंगे। भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, कितना आपको उनके ऊपर विश्वास है, कितना निमंत्रों पर विश्वास है। आप 11 दिन करते हैं, 21 दिन करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मन में वैसे ही आपके पहले ये आ जाता है रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डाउट कर लेते हैं आप पहले से। तो सबसे पहले अपने डाउट को क्लियर रखिए, बस पूरा विश्वास रखिए कि रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब भी लगे रहिए, मजबूर कर दीजिए भगवान को कि बिल्कुल आपको रिजल्ट दे उसका, तब ये चीजें वर्क करती हैं। अगर आप जाप कर रहे हैं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो कंटिन्यू और करते रहिए उसको, भगवान को मजबूर करिए कि आपको उसका रिजल्ट दे। खाली बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, इससे अच्छे कितना टाइम लगता है दोस्तों, आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट लगेगा। अगर भगवान के लिए आपने आधा घंटा 15 मिनट निकाल दिया तो इसमें क्या जाता है आपका। और श्रीमृजी मंत्र है दोस्तों, तो ये मंत्र आपको कंटिन्यू जाप करना है और इसका दोस्तों गारंटी है, इसका रिजल्ट मिलता है। 51 डेज तक तो कंटिन्यू करिए इस मंत्र को, लेकिन नवरात्रि से शुरू करेंगे तो इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा। और श्रीमृजी मंत्र जाप करने से पहले सबसे पहले आप 5 बार या 11 बार या 7 बार ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम लक्ष्मी नारायण अभ्यम नमः, इस मंत्र का पहले जाप करें, फिर श्रीमृजी का 108 बार जाप कर लें और फिर आखिरी में फिर से आप ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो भी आपने मंत्र जाप किया हो बाद में फिर वही जाप कर दें। फिर देखिए इस मंत्र का चमत्कार। और नवरात्रि में या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आपको पूरे 9 दिन जाप करना है और आखिरी दिन आपको 9वें वाले दिन हवन कर देना है। फिर देखिए आपकी जिंदगी में माता लक्ष्मी कैसे कृपा बरसाती हैं, क्योंकि साक्षात माता यहां पे विराजमान रहती हैं पृथ्वी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दया की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।